15th ऑफ अक्टूबर के दिन एक और वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। कहां पे होगी, कौन सी वैक्सीन है, क्या ट्रायल्स हुए हैं, क्या रिजल्ट आया है, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में ताकि आप सभी को मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। दोस्तों, रशिया ने अपनी पहली वैक्सीन लॉन्च की थी 11th ऑफ अगस्त के दिन, लेकिन उससे पहले उन्होंने दूसरी वैक्सीन पे काम करना स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है एपीवैक कोरोना, जो रशिया की जो वेक्टर इंस्टीट्यूट है उसने बनाई हुई वैक्सीन है। किससे बनी है, किस चीज से बनी है, वो चीज है नहीं की गई, लेकिन एपीवैक कोरोना को क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन जुलाई में मिली थी और 27th ऑफ जुलाई के दिन उसके ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके थे। सितंबर में जो है वो फेज 2 के ट्रायल्स के रिजल्ट्स कंक्लूड कर दिए गए थे। अब जो है फाइनली रशियन फेडरेशन ने एपीवैक कोरोना के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है और 15th ऑफ अक्टूबर के दिन जो है ना ये वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। लेकिन उसके अलावा काफी और डिटेल शेयर की गई है, वो मिस मत करना। यहाँ पे अभी भी सिर्फ फेज 1 एंड फेज 2 के ट्रायल्स कंप्लीट हुए हैं, जैसे स्पुतनिक वी के हुए थे बहुत ही छोटे ग्रुप पे। अब जो है ना अप्रूवल के बाद जो है फेज 3 के ट्रायल्स हो गए, वो इन टोटल 30,000 पार्टिसिपेंट्स पे हो गए। जो मास ट्रायल्स है वो नवंबर दिसंबर में होगी, लेकिन उसके अलावा जैसे अप्रूवल मिलता है ना ये महीने में अप्रोक्सीमेटली 5,000 एडल्ट्स पे एंड 60 प्लस के पर्संस पे ट्रायल्स होने वाले हैं, जहां पे क्रॉनिकल डिजीज वाले पेशेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा ट्रायल के अंदर। तो ये भी एक अच्छी ट्रायल टेस्टेड वैक्सीन जो है ना रशिया की बन जाएगी। मुझे लगता है कि काफी हद तक तो यही 2020 में ही ये ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखना है कि ये वैक्सीन का आने वाले समय को इंडिया फ्यूचर होता है या नहीं। आशा रखता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।